सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई स्पाइजी। स्पाइजी एक रिमोटली मॉनिटरिंग ऐप है जिसकी हेल्प से आप दूसरे डिवाइस पर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 150 प्लस ऑप्शन मिल जाते हैं मॉनिटर करने के, जिसमें आप मैसेजिंग, कॉल लॉग्स, वेब ब्राउजिंग और सभी तरीके के फोटोज, वीडियोज जो आपके बच्चे या फिर आपके एम्प्लॉय जिस तरीके से भी आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइव लोकेशन मॉनिटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आज के टाइम में जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए, या फिर जो ऑफिस में लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए कि आपके एम्प्लॉय कितना काम में ध्यान दे रहे हैं और कितना अपने फ़ोन पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो 30% का आपको ऑफ भी मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप वेबसाइट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। सब पीपल, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेक एंड इन दिस वीडियो हम इंस्टॉल करने वाले हैं गूगल कैमरा का अपडेटेड वर्जन, यानी कि वर्जन 6.2 ऑन नोकिया 6.1 प्लस। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पर गूगल कैमरा 6.2 का, वहाँ पे आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि नोकिया 6.1 प्लस के लिए भी आपको वर्जन 6.2 चाहिए, जिसमें आपको जो नाइट विजन है वो थोड़ा बेहतर मिलेगा और साथ ही साथ जो लैग्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और यहाँ पे जो नाइट साइट की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है धासू। और जी कैम के नाइट साइट ने तो चाला कर दिया, और रामपाल छुपा बैठा था अंधेरे में, वहां भी उजाला कर दिया। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो बांधो सीट बेल्ट और चक दो फटे। तो यहाँ पे गूगल कैमरा का वर्जन 6.2 यानी कि अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करने से पहले कुछ सैंपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने जो अपना सेटअप है इसकी फोटो क्लिक की है, आप देखो नॉर्मल मोड में यहाँ पे सिर्फ 3 लाइट आपको दिखाई देंगी, बाकी अगर नाइट साइट पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डेटा दिखाई दे जा रहा है, और बिल्कुल रूम में अंधेरा था, कुछ भी थोड़ी भी रोशनी नहीं थी। नेक्स्ट फोटो में आप यहां देख सकते हैं कि FND का बॉक्स रखा हुआ है। आप दोनों फोटोज़ में डिफरेंस देखो आपको खुद पता चल जाएगा, और जो स्पेशल डिफरेंस आप देख सकते हैं वो आपको यहां पे बेड पे दिखाई देगा। यहाँ पे 3-4 बोतल रखी है परफ्यूम की, तो कुछ खास डिफरेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक सोते उठते ही गंदी सी सेल्फी अंधेरे में, तो आप खुद देखो डिफरेंस है या नहीं। और यहाँ पे लास्ट फोटो जो है यहाँ पे मैंने लैपटॉप की क्लिक की है, सेम आप देख सकते हैं कि नाइट विजन में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आप आंखों से कलर्स नहीं देख पाते वो आपका कैमरा यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। और क्या टुकर टुकर देखता है, सब्सक्राइब मारो और साइड में रखे टाली भी दे मारो। तो यहाँ पे जो नए यूजर्स हैं उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल कैमरा का लिंक दिया है, जाके डाउनलोड करो, डायरेक्टली इंस्टॉल करो, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी परमिशन है उनको अलाउ करने के बाद आपको मोर में जाना है और आपको नाइट साइट का फीचर मिल जाएगा। उसके बाद आप मचा दोगे यहाँ पे तबाही। बात करें अगर ओल्ड यूज़र की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले वाले गूगल कैमरा को अनइंस्टॉल कर देना है, देन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको यूज़ करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है, एंड सारी परमिशंस को जिस तरीके से आपने ओल्ड वर्जन के साथ किया था सेम वही सब स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड मोर में नाइट विजन आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं नाइट साइट, उसके बाद एकदम परफेक्टली काम करेगा। तो ये था एक क्विक अपडेट रिव्यू ऑफ गूगल कैमरा वर्जन 6.2 और नोकिया 6.1 प्लस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।